ये बकवास कर रही है 10 लाख नौकरी केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने बोला है, वोट के लिए किया है। और इनकी पॉलिसी है लालू जी के समय से ही है नौकरी को रोकना। 35 सीट आ जाए तेजस्वी यादव की वही हाल होगी जो 2010 में लालू जी की हुई थी। अगले चुनाव में 2010 में 22 सीट आई थी लालू जी को, वही हाल तेजस्वी जी की होने जा रही है। ट्रेनिंग खत्म करके वही किया है, मास्टरों के साथ ही वही किया है, अपॉइंटमेंट देके नौकरी नहीं हो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है, अभी तक लोगों को नौकरी नहीं मिली है। ये बेवकूफ बनाते हैं, बकवास करते हैं। वैकेंसी तो 10 लाख नौकरी दे रहे थे, हो जाए तब ना। अब देखिए ना, ये लोग तो कहते थे मैं वचनबद्ध हूँ, 1 महीना के अंदर नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ, 2 महीना के अंदर नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ, क्या हुआ लोगों को? कुछ नहीं देंगे। जिस तरह से उनके पिताजी आरक्षण पे ठगे हैं, आरक्षण को लोगों को नहीं मालूम है किस तरह से वो ठगे हैं, उसी तरह से ठग रहे हैं, कहीं कुछ नहीं करने जा रहे हैं, चाहते हैं बेवकूफ बना के पावर मांगो और कुछ नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के भाई भी आज पटना गांधी मैदान पहुंचे हैं, जो मार्च है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए कि जो प्रोफेसर शिक्षा मंत्री हैं उनके भाई हैं, और उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप भी यहाँ पहुंचे हैं मार्च में, क्या बोलना चाहते हैं? जो रोजगार है उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या बोलना चाहते हैं? क्या पूछे, फिर से बोलिए। आप मार्च में पहुंचे हैं, आज विधानसभा मार्च है, ये सरकार कहती है कि पहले जो है कैबिनेट में हम 10 लाख नौकरी सरकारी नौकरी देंगे, क्या बोलना चाहते हैं? ये बकवास कर रही है, ये बकवास कर रही है। 10 लाख नौकरी केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने बोला है, वोट के लिए किया है। और इनकी पॉलिसी है लालू जी के समय से ही है नौकरी को रोकना। 36 कॉलेज जो कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ था उसको सारे को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। लालू जी ने प्रयास किया कि नौकरी सबको खत्म करे, उसके बाद ट्रेनिंग स्कूल के साथ भी इन्होंने वही किया है, ट्रेनिंग खत्म करके वही किया है, मास्टरों के साथ ही वही किया है, अपॉइंटमेंट देके नौकरी नहीं हो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है, अभी तक लोगों को नौकरी नहीं मिली है। ये बेवकूफ बनाते हैं, बकवास करते हैं। 1,70,000 सरकारी नौकरी निकाले हैं शिक्षकों की, और आपके भाई शिक्षा मंत्री क्या कहना चाहते हैं? क्या फिर से बोलिए। 1,70,000 जो है वो वैकेंसी निकाली गई है, और आपके भाई खुद शिक्षा मंत्री कह रहे हैं वैकेंसी तो बहुत निकाली है, वैकेंसी तो 10 लाख नौकरी दे रहे थे, हो जाए तब ना। अब देखिए ना, ये लोग तो कहते थे मैं वचनबद्ध हूँ, 1 महीना के अंदर नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ, 2 महीना के अंदर नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ, क्या हुआ लोगों को? कह दिया बीपीएससी में धकेल दिया, ये वैसे बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ करने नहीं जा रहे हैं। क्या तेजस्वी से कोई उम्मीद रख सकते हैं? जी, तेजस्वी यादव से कोई उम्मीद है कि वो नौकरी उकरी देंगे? कुछ नहीं देंगे। जिस तरह से उनके पिताजी आरक्षण पे ठगे हैं, आरक्षण को लोगों को नहीं मालूम है किस तरह से वो ठगे हैं, उसी तरह से ठग रहे हैं, कहीं कुछ नहीं करने जा रहे हैं, चाहते हैं बेवकूफ बना के पावर मांगो और कुछ नहीं है। अभी भारी विवाद चल रहा है शिक्षा मंत्री के पाठक और आपके भाई में, भारी बवाल हुआ कि अफसरशाही है, इसका कितना सच है? उसका हमको नहीं मालूम है, बस इतना कहना चाहूंगा कि जन प्रतिनिधि पे नौकरशाही हो भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि प्रधानमंत्री पे भी तो सवाल उठता है कि वो कितना रोजगार दिए, अभी तो 2 करोड़ का वादा किए थे एक साल में। प्रधानमंत्री जी का ये देन है, आप जाके प्राइवेट फर्म में पूछिए, वो अपना काम पूरा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकता था, इंजीनियरिंग नहीं कर सकता था, मोदी जी की मेहरबानी है कि जम्मू कश्मीर से भी लोग इंजीनियरिंग किए हैं और नौकरी की है। मैं नाम बताऊंगा, एक इंटरनेशनल फिगर है, क्या नाम है वो राज, जिसको प्लेयर इंटरनेशनल, वो उसका भाई भी उसमें एक है। कई लोग हैं जो मोदी जी के चलते जहाँ जम्मू कश्मीर से भगाता था वहाँ से इंजीनियरिंग किया, उन लोगों को नौकरी मिली है। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे 25 में? ये तेजस्वी सीएम बनेंगे? 35 सीट आ जाए तेजस्वी यादव की वही हाल होगी जो 2010 में लालू जी की हुई थी। अगले चुनाव में 2010 में 22 सीट आई थी लालू जी को, वही हाल तेजस्वी जी की होने जा रही है। चलिए, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, बिहार सरकार में उनके भाई ने कहा है कि जो स्थिति 2010 में राष्ट्रीय जनता दल की थी वही स्थिति दोबारा आ जाएगी, और ये सरकार नौकरी नहीं देने वाली है। तो ये पूरी भीड़, पूरा अमला जो है
वो यहाँ पर देख लीजिए कि जो है लगे हुए हैं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे।